अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो। दोस्तों, आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। आज की वीडियो दूसरी वीडियो से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो दूसरी से डिफरेंट हो, और इस अभी तक तो इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जा रहा हूँ, और अभी भी नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने मकसद में पूरा उतरें और आपके लिए नई से नई वीडियो लाते रहें। और आज भी जो वीडियो है वो है 22 स्लाट और 22 पहले का कॉम्पोडेटर है। जूसर की बड़ी फूड फैक्ट्री होती है, उसकी मोटर है, और आज हम आपको बताएंगे कि ये 12 स्लाट से हटकर जो वाइंडिंग होती है ये कैसे होती है। वैसे तो वाइंडिंग का स्टाइल एक ही होता है, अगर आप मतलब 10-12 जो भी 9 स्लाट को एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वाइंडिंग का स्टाइल तकरीबन एक ही होता है। बस आपके कनेक्शन समझ में आ गया तो समझो आप कामयाब हो गए, वाइंडिंग किसी भी तरीके से आप फिर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि 22 स्लाट 22 फली का कम्यूटेटर जो है और इसकी वाइंडिंग कैसे होगी। अच्छा जी, ये मोटर, और मैं इसको जो सबसे पहले मोटर कोई भी हो आपके पास जो भी आती है, सबसे पहले आपने उसकी रोटेशन चेक करनी है, क्योंकि रोटेशन ही इसकी मेन चीज़ होती है। अगर वाइंड करने के बाद रोटेशन हमारी जिस तरह हमें चाहिए उस तरह ना आए तो वाइंडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि वो बेकार हो जाती है पूरी मेहनत। तो सबसे पहले रोटेशन आपने देखनी है, और रोटेशन देखने का फार्मूला जो मैंने आपको बताया, हमेशा शाफ्ट के फ्रंट साइड पे। अगर कम्यूटेटर फ्रंट पे लगा है तो आप इस पे रोटेशन कम्यूटेटर की तरफ से देखोगे, अदरवाइज कम्यूटेटर की तरफ से रोटेशन आपने नहीं देखनी हमेशा। अगर यहाँ पर चूड़ी है तो चूड़ी उल्टी सीधी चूड़ी सीधी चूड़ी ये चेक करनी है, और अगर आप यहाँ पर पैल बने हुए यानी कि पुली ठुकती है यहाँ पर चॉपर वगैरह की, तो तब आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वैसे देख लेनी है उसको। रोटेशन हमेशा यहाँ से चेक करनी है, कम्यूटेटर की तरफ से रोटेशन आप नहीं देखोगे। इन चीज़ों को जहन में रखा करो। सेकंड बात, मैं आपको हमेशा कवर बोलता हूँ। तो ये देखो, ये 22 स्लाट की मोटर है, मगर कवर इसका नॉर्मल जो मोटर है, आजकल तकरीबन मोटर यही आती है ना, तो इन जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उन चीज़ों को जहन में रखा करें। अच्छा जी, अब हम इसको निकाल लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये देखें, इसके अंदर से ये फील्डों के अंदर से स्पीडें निकलती हैं ना, और बारीक तार से स्पीड हमेशा स्पीड को डाउन करने के लिए गेज डाउन करते हैं, बारीक तार डालते हैं। तो अगर कभी ये जल जाए, ये बारीक तार हमेशा जल जाते हैं, और जो मोटा गेज होता है ये नहीं जलता, ये फुल स्पीड का होता है। तो ये बारीक जो गेज होता है ना, इसके दोनों तार काट के इस फील्ड को अलग कर दिया करें मोटे गेज के। ये मोटा और बारीक ज्वाइंट हुआ हो तो वहाँ ज्वाइंट से इसके दोनों तार काट दें और बारीक गेज को हटा दें, तो मोटे तार से फील्ड बिल्कुल ओके चलती है, भले पेपर मेल्ट भी हो। मोटा नहीं जलता है, बारीक जल जाता है। ये स्पीड वाली मोटर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये छोटी सी चीज़ आपके काम आएगी इंशाल्लाह, चेक कर लीजिएगा कभी आपके पास इस तरह की। अब हो गई ये हमारी फील्ड अलग हो गई। अब ये देख लो, ये आर्मेचर है इसका, ठीक है। अभी आपको कुछ याद आ रहा होगा कि वैक्यूम की मोटर के अंदर भी 22 स्लाट और 22 फली का होता है, लेकिन उसके आरपीएम जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसके आरपीएम उससे थोड़े से कम है, मतलब थोड़े से नहीं काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि उसकी जो फील्ड होती है ना वो उसका गेज मोटा होता है, ज़्यादा मोटा होता है वो, और इसकी फील्ड गेज जो है वो उसके वैक्यूम से बहुत ज़्यादा डाउन है, और आर्मेचर का गेज भी डाउन है, तो इसकी स्पीड थोड़ी उससे स्लो होगी। वैसे इसकी स्पीड वो आरपीएम इसके भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आगे गियर बॉक्स लगा होता है स्पीड को डाउन करने के लिए। मकसद ये है कि कभी आपके पास ये मोटर आए तो कहीं आगे गियर बॉक्स देके आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, ये क्या सीन है, इसके आगे गियर लगते हैं ताकि इसकी स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। और गियर बॉक्स वैसे बेसिकली जो होता है वो लोड के लिए होता है, मोटर के ऊपर लोड ना हो और सारा लोड जो है वो गियर के ऊपर आ जाए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ मुझे शेयर करनी थी, वो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था आपको बताऊँ, वैसे मेरे ख्याल में एक आध वीडियो में मैंने बताया हुआ भी होगा। अब ये देख रहे हो आप, ये सबसे पहले हम इसकी वाइंडिंग चेक करेंगे, तो वाइंडिंग है फॉरवर्ड इसकी, ठीक है। ये एक और दो कॉइल पीछे और ये तीसरे वाला ऊपर की तरफ डल के ये इस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये दो कॉइल नज़र आ रहे हैं, ये देखें, मतलब आखिरी वाले कॉइल के पीछे दो कॉइल हैं। जब ये 12 फली का होता है तो यहाँ एक कॉइल होता है, ठीक है, और अब ये 22 फली का है तो यहाँ पर दो कॉइल हैं, जहन में रखना, आगे जाके बताऊंगा। अब इसका हम कनेक्शन देखेंगे, कनेक्शन कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ,
सामने झिरी है, और झिरी के बाद ये है एक और ये दो, ठीक है। यानी इसका कनेक्शन आखिरी ढाई पे लगा हुआ, कम्यूटेटर यही यूज़ करूँगा तो ओरिजिनल कंडीशन में इसको लग रहने देंगे। तो लगा हुआ कितने पे? ढाई पे। जब हम इसका कनेक्शन शुरू करेंगे तो कनेक्शन यहाँ से गिन के यहाँ यहाँ लगाएंगे पहले, तो तब जाके ढाई पे लगेगा कनेक्शन। वो जब मैं लगाऊंगा तो तब आपको बताऊंगा। ये आपने देख लिया ना, इसका सामने झिरी है और एक और ये दो, समझ में आ गई ना। अब ये भी आपको जहन में रखना कि ये दो स्लॉट हैं। अब जब हम मैं आपको बताता हूँ, जब हम वाइंडिंग पीछे से यहाँ से शुरू करते हैं तो कनेक्शन अगर चार पे होता है बिलफर्ज, तो हम फॉरवर्ड वाइंडिंग करते हैं तो कनेक्शन दो पे लगा के फिर आगे की तरफ को मूव करते हैं, तो आखिरी कनेक्शन जाके चार पे लगता है, ठीक है ना। याद है ना आपको? वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब वाइंडिंग शुरू होती है तो वो वाइंडिंग यहाँ से शुरू हुई हुई है, ठीक है, इस वाले से। और जब आखिरी कॉइल डला तो ये देखो एक और ये दो बीच में स्लॉट छूटे और ये तीसरा यहाँ आखिरी यहाँ के बंद होगा। तो जब ये इस दो कॉइल छूटें तो जाहिर है दो सेगमेंट आगे चले गए हम, तो कनेक्शन अब जब हम शुरू करेंगे तो दो पीछे से शुरू करेंगे, तो जब दो स्लॉट छूटेंगे तो कनेक्शन ऑटोमेटिक जाके आगे लग जाएगा। और इसी तरह जब हम 12 स्लॉट का शुरू करते हैं तो एक छूटता है तो, लेकिन उसमें डबल लूप चलती है तो एक आगे जाएगा तो दो कनेक्शन छूट जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो फिर वो दो आगे या दो पीछे चले जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब अगर पीछे को वाइंड कर रहे होंगे तो चार पे लगा के फिर पीछे करेंगे, अगर दो पे होगा तो फिर आगे, अगर यही हम लूपों में बना रहे होंगे तो लूपें तो ज़ाहिर है पहली और आखिरी एंड में खुद ही मिल जाती है, तो कनेक्शन अगर दो पे ही लगा हुआ सामने तो लूपों में ये दो पे ही लगेगा, लूपों में इस तरह नहीं होता, ये सिर्फ इस वाइंडिंग के लिए। चलिए अब मैं इसको काट के आपको वाइंड करके फिर आपको चलाकर चेक करवाता हूँ। साफ़ कर लिया आर्मेचर को मैंने, और दो पेपर भी डाल लिए मैंने, बाकी सारे कार्ड पे साइड पे रखे हुए हैं। 10 की पिच बनाएंगे, नंबर यूज़ होगा इसके अंदर 33, टर्न होंगे इसके अंदर 30। और अब हम आपको बताते हैं कि कनेक्शन कैसे लगाना है इसका, ठीक है। जब बंद हुआ था तो कनेक्शन इसका दो पे था। अब ये पीछे आपने देखा था जब वाइंड शुरू हम कर रहे थे कि ये दो स्लॉट आगे की तरफ को, पीछे दो कॉइल बचे हुए थे और आखिरी वाला दो के बाद था। तो अब हम इसका कनेक्शन लगाएंगे झिरी के बाद इस बिल्कुल सामने, अगर ये एक वायल होता मतलब पीछे सिंगल होता तो फिर मैं कनेक्शन इसका लगाता एक पे, यानी झिरी के बाद एक पे, और जब वो एक स्लॉट छूटता सिंगल तो फिर वो जाके दो पे लग जाता। अब मैंने दो पीछे की तरफ को दो छोड़ दी, ठीक है। और वायर इसमें भी मैं अल्मोनियम यूज़ कर रहा हूँ, अच्छे चल रहे हैं आर्मेचर, मतलब ये आपके दिल से ये डर भी अब निकल जाना चाहिए कि पता नहीं कौन सी कंपनी का तार होता है तो आर्मेचर अच्छे चलता है। सिर्फ आपकी वाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, कनेक्शन प्रॉपर होने चाहिए, तो आर्मेचर आप किसी भी तार से बना दो चलता है। मेरा मकसद आपके दिमाग से ये डर निकालना है। आर्मेचर का काम वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मगर कोई बहुत बहुत बड़ी फनकारी नहीं है, फनकारी कह भी सकते हो, फनकारी है भी, कोई भी कर सकता। कहने का मकसद है कि कोई भी मेरा भाई आर्मेचर बना सकता है। अब हम इसमें डालेंगे 30 टर्न गिन के, ठीक है। एक कॉइल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये सिंगल कॉइल डलेगा क्योंकि 22 स्लॉट 22 फली है, तो सिंगल ही डलेगा। अब कनेक्शन भी इसका आगे की तरफ को चलेगा, तार को जब छीलना है तो प्रॉपर छीलना है ताकि आपका करंट वो सही पास हो, वरना वो जो है ना ऑरेंज कलर का शोला मारता है आर्मेचर जब स्पार्क होता है, तो वो बाज़ हवा इस वजह से भी होता है जो आपके बोलते हो ना, स्पार्किंग करता है, तो इस वजह से भी होता है। फॉरवर्ड वाइंडिंग है तो अब हम उसके आगे वाले पे चले चलेंगे।
अब ये देख, ठीक है, ये कनेक्शन ये सामने झिरिया आ गई एक, और ये दो पहला और आखिरी ये लगे हुए, ठीक है। कम्यूटेटर ओरिजिनल कंडीशन में था, कनेक्शन सिर्फ दो ये छोड़ के दो, और ये इस वाले पे लगाया था तो ओरिजिनल उस पर आ गया। तो अब देख लो वाइंडिंग चाय नहीं करी है मैंने, अब मैं इसको फिट करके सिलाकर सेट करवा। अच्छा पेपर बिठा लिया मैंने, वार्निश नहीं करा। अल्मोनियम का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बताना मैं भूल गया कि इसमें बैलेंस का इशू नहीं होता, क्योंकि अल्मोनियम की वायर का वेट नहीं होता, और जिसको जिस तरह चाहे आप दबा लो तो बिल्कुल बराबर हो जाता है। इसमें जो डिसबैलेंस आर्मेचर वाइब्रेशन होता है वो चक्कर ख़त्म हो जाता है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। मैं इसको फिट करके चला लेता हूँ, ऑयल ही ख़त्म हो गया। अच्छा मोटर फिट कर ली मैंने, अब इसको हम चलाकर चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। रेड वाली इसकी फुल स्पीड है, पहले सीरीज पे लगा के चेक कर लेते हैं। ये सीरीज है, अब ये देखो बिल्कुल नॉन स्पार्क मोटर बनी है, सिल्वर के अंदर है, और बैलेंस का भी इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो तार आपको मैंने बताया ना कि जिस तरह चाहो आप प्रेस कर सकते हो उसको, तो वो आप भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मोटर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन चली है, आप भी एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और जब एलुमिनियम डालो आप इसकी जगह कॉपर की जगह, तो एक आध नंबर जो है वो ऊपर का डालना है, यानी अगर 33 है तो आप 32 यूज़ करना, अगर 34 है तो 33 यूज़ करना। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।